चकोर चिड़िया और राजा की दोस्ती। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का विषय है कि क्रोध में लोग अपने हितैषियों का भी अहित कर देते हैं। एक चकोर चिड़िया का बलिदान। दोस्तों, कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सज्जनों, एक बार एक राजा को पक्षी पालने का बड़ा शौक था। उन पक्षियों में राजा का लगाव एक चकोर चिड़िया से अधिक था। वे उस चकोर को अपने हाथ पर बैठाए रहते थे। यदि राजा कहीं घूमने जाते थे तो वे उस चिड़िया को साथ लेकर जाते थे। सज्जनों, हर रोज की तरह एक दिन भी राजा वन में आखेट के लिए गए। उनका घोड़ा उनके दूसरे साथियों से आगे निकल चुका था। आगे जाकर राजा मार्ग भटक गए और वे एक घने जंगल में जा पहुंचे। उन्हें कहीं भी वापस आने का मार्ग नहीं मिल रहा था। तब उसे बहुत जोर की प्यास लगी। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक चट्टान दूसरी चट्टान से मिली हुई है, जिसके नीचे से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। राजा ने चट्टान से पानी टपकता हुआ देखा तो अपनी जेब से एक प्याला निकालकर उस चट्टान के नीचे रख दिया। कुछ देर के बाद वह प्याला पानी से भर गया। बंधु, राजा ने जैसे ही पानी पीने को वह प्याला उठाया तो उसी समय राजा के कंधे पर बैठा हुआ चकोर पक्षी कंधे से उड़ा और उसने अपने पंख मारकर उस पानी को फैला दिया। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने जैसे तैसे अपने गुस्से पर काबू किया और प्याला लेकर फिर भरने को रख दिया। बड़ी देर में प्याला फिर भर गया। जब वे पीने लगे तब चकोर ने पंख मारकर फिर उसे फैला दिया। अब तो क्रोध के मारे राजा आग बबूला हो गए, क्योंकि उसे बहुत जोर की प्यास बढ़ती जा रही थी। बंधु, राजा ने उस चकोर को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। अब चकोर चिड़िया को नीचे फेंक कर राजा ने फिर प्याला भर लिया। तब तक राजा की दृष्टि उस चट्टान की संधि पर पड़ी, जिसमें एक मरा हुआ सर्प दबा हुआ था, जिसके शरीर में से वह जल टपक रहा था। राजा यह देखकर कांप उठे, सोचने लगे, हाय, जल पीकर कहीं मैं मर न जाऊं, इसलिए पक्षी ने दो बार जल गिराया। मैंने क्रोध में उसी को मार दिया। सो सोचकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। कहते हैं बंधुओं, जो मूर्ख मनुष्य क्रोध उत्पन्न होने पर उसे दबा नहीं पाता, वह क्रोध का परिणाम स्वयं ही भोगता है। कहते हैं क्रोध करना और अपने शरीर में छुरी मारना एक समान बताया गया है। ईर्ष्या करना और जहर पीना बराबर ही होता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर दुख का ही कारण बनता है। काम बिगड़ने के बाद जो बुद्धि चलती है, यदि उसे क्रोध आने से पहले चलाया जाए तो कितनी लाभप्रद हो सकती है। इसी संबंध में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। ध्यान देकर सुनना है और हो सके तो लिखकर भी रख लेना, ये आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, इस सात प्रकार के लोग होते हैं जो दूसरों का तो अहित करते ही हैं, साथ ही साथ उसका परिणाम उनके लिए भी दुखदायी होता है। नंबर एक, क्रोध से उन्मत्त। नंबर दो, विद्या से उन्मत्त। तीसरे, शूरवीरता से उन्मत्त। चौथे, धन से उन्मत्त। पांचवें, कुल से उन्मत्त। छठवें, बल से उन्मत्त। सातवें, मान से उन्मत्त। ये सातों अपना ही अहित करते हैं। उन्मत्त कहते हैं पागल या मतवाला या किसी सनकी को। क्रोध से उन्मत्त दूसरे को तो पीड़ा पहुंचाते ही हैं, साथ ही परिणाम खुद के लिए घातक होता है।
विद्या से उन्मत्त पुरुष अपने प्रिय शुभचिंतकों के उपदेश को नहीं मानता है और अपने साथ होने वाले अनर्थ को भी परोपकार के समान मानता है। शूरवीरता से उन्मत्त पुरुष अतिशीघ्र ही शत्रुओं के व्यूह में फंस जाता है और उनका तिरस्कार करने के कारण प्राण त्यागना पड़ता है। धन से उन्मत्त पुरुष अपनी बुराई, निंदा और अपमान को नहीं जानता है। कुल से उन्मत्त संपूर्ण श्रेष्ठ जनों का तिरस्कार करता है और निंदित कामों में बुद्धि को लगाए रहता है। बल से उन्मत्त पुरुष हर समय लड़ने के लिए उतावला रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने बल से सबको कष्ट पहुंचाता है। मान से उन्मत्त पुरुष संपूर्ण जगत को तिनके के समान समझता है और सबसे अयोग्य होने पर भी ऊंचे आसन की इच्छा करता है। दोस्तों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जिनको मनुष्य को याद रखना चाहिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।